चलिए अब जरा आते हैं हम प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की तरफ। प्रोफेसर साहब, आपने सुना, संजय जी को भी सुना और कुर्बान अली को, और उसके साथ एक बात कि स्वामी प्रसाद मौर्य का चाहे हम इस्तीफा देखें जो राज्यपाल को चिट्ठी लिखी, चाहे दारा सिंह चौहान ने जो आज चिट्ठी लिखी, सबकी भाषा एक है, सब में बीजेपी पर पिछड़ों का, दलितों का, किसानों का दुश्मन या कहें उपेक्षा करने वाली पार्टी के तौर पर आरोप लगाया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य तो कल रात से आज सुबह तक, दोपहर तक, एक दर्जन से ज्यादा इंटरव्यू देकर बीजेपी के खिलाफ बहुत कुछ बोल चुके हैं। हर बार यही आरक्षण के सवाल पर और बीजेपी की पिछड़ा विरोधी नीति के सवाल पर ये बात कह रहे हैं। अब मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूं कि वही 34-35% ओबीसी, जिसमें हम यादव को बाहर मानते हैं क्योंकि मानते हैं कि बड़ा चंक अखिलेश यादव का ट्रेडिशनल है, क्या इसमें आप बड़ा डेंट दिखते हैं? एक सही चीज कही कुर्बान अली में और कुर्बान साहब ने कि चाहे 2007 हो चाहे 2012 हो, बीएसपी और सपा 30% वोट से आई सरकार में, बीजेपी 40% 17 और 19 में लगभग 50% है। तो ये क्या डेंट लगता हुआ इससे आप देखते हैं, अगर ओबीसी इस तरह से ओबीसी के नेताओं का छिटक के अखिलेश के गठबंधन में जाना होता? बहुत शुक्रिया अजीत अंजुम जी। ये सवाल इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे अहम सवाल बन गया है। तो इसमें सबसे पहले मैं बहुत कम वक्त में बस गैर यादव ओबीसी जातियों का जो आंकड़ा है, जो सीएसडीएस अपने सर्वे में कहता है, उर्मी 7.5%, लोध साढ़े लगभग 5%, गडरिया पाल 4.5%, निषाद मल्ला 4.5%, और जाट लगभग 3.5 से 4.5%, प्रजापति 3.5 से 4%, कुशवाहा, और ये जो बड़ी जातियां राजभर लगभग 3 से 4% हैं, ये वो जातियां हैं जो गैर यादव ओबीसी तबके में एक बड़ी भूमिका निभाती हैं, पूर्वांचल से लेकर के पश्चिम उत्तर प्रदेश तक और अवध की बेल्ट से लेकर के बुंदेलखंड तक। यानी ये वो दल हैं जो मंडल की राजनीति के बाद लगभग 3 दशक जो बीते हैं, इनमें जो जाति के नाम पर सियासी गोलबंदी थी वो मजबूत हुई है। यानी अब वो जातियां अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना चाहती हैं। स्वाभाविक तौर पर एक राजनीतिक प्रक्रिया के तहत उनके भीतर अपना एक नेतृत्व भी पैदा होगा और वो नेतृत्व धीरे धीरे इन सभी जातियों में बना, ये एक स्वाभाविक सहज प्रक्रिया थी। अब पीछे, बहुत पीछे जाने की बजाय मैं 17 से 2017 के चुनाव से इसे जोड़ता हूं। उस समय 2014 के बाद से ही आरएसएस, खासकर आरएसएस और बीजेपी, एक नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब हुई कि ओबीसी का सारा हक यादव और कुछ जातियों ने ही ले लिया। इसकी प्रतिक्रिया में वो जो नेतृत्व इन जातियों का उभर रहा था वो समाजवादी पार्टी, और यही नरेशन बसपा के लिए जाटों गैर जाटों के रूप में बनाया गया। तो वो प्रतिक्रिया में उन जगहों पर जाती है। और कुर्बान अली साहब से यहां पर मैं सहमत हूं कि इसके साथ साथ हिंदुत्व का जो कार्ड था वो भी काम कर रहा था। तो एक बहुत बड़ी आबादी जो तकरीबन उत्तर प्रदेश की आधी से ज्यादा आबादी कवर करती है ओबीसी की, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ जाता है। अब इसके बाद क्या हुआ, 2017 के बाद, इवन 14 में ये कहा जाना कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें कभी याद नहीं आया कि मैं पिछड़ी मां का बेटा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के समय वो कार्ड खेलते हैं। उसके बाद 14 के बाद 17 के चुनाव में बाकायदे यादव गैर यादव का ओबीसी में कार्ड खेला गया और केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, और उसमें ये भूमिका निभाई गई कि हम आपको वो हक दिलाएंगे जो यादवों के चलते आपको नहीं मिला। 86 में 56 SDM यादव हो गए, जिसका कोई आंकड़ा 5 साल में योगी सरकार नहीं दे पाई, कई थानों में वो थे, ये सारा नरेशन बना। फिलहाल अब वो भूमिका वहां पर खड़ी है कि सियासी व्याख्या ये हो सकती है कि एक दल से कुछ लोग छिटक कर चुनाव के समय जाते हैं तो उसके कई वजहें होती हैं, लेकिन जो वजहें स्वामी प्रसाद मौर्य या दारा सिंह चौहान या तमाम ओम प्रकाश राजभर, पहले से संजय निषाद की पार्टी है, या तमाम चौहान की पार्टी है, प्रजापति बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी है, इन लोगों ने एक आरोप और गंभीर आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी को कि जो कह के आप हमें अपने खेमे में लाए थे वो हक आपने हमें नहीं दिया। वो जो हिस्सेदारी थी, वो जो प्रतिनिधित्व था, जो छीना जा रहा था नरेशन में यादवों के लिए, वो नहीं मिला। और दूसरी तरफ अजीत जी क्या हुआ कि जो हमले हुए वो इन जातियों पर ज्यादा हुए, दलितों के हाथरस से लेकर के
किसानी पर, चाहे 5 किलो डीएपी कम होना, यूरिया कम होना, और साढ़ जो खेतों में घूम रहे हैं, इससे जो कृषक जातियां हैं वो ज्यादातर ओबीसी जातियां, कृषक जातियां, तो सीधे किसानों की नीतियां, जो बुलडोजर चले और मुकदमे हुए, जो फेक इनकाउंटर हुए वो उन जातियों के हुए, इन जातियों के भीतर जो जातिगत वैमनस्य था वो हुआ, और जो डीएम एसपी थानेदार से लेकर के 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती, इन सब में जो ओबीसी की हकमारी हुई थी, उन दोनों ने मिलकर के ये नरेशन क्लियर कर दिया कि आप ले तो आए थे हमें हिंदुत्व की रक्षा के लिए और यादवों के जो अन्याय किया गया था वो हमें देने के लिए, लेकिन हासिल हमें कुछ नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि यह एक समाजशास्त्रीय पहलू है जिसके आधार पर 2022 के चुनाव में अगर इन गैर यादव तकरीबन 35-40% में उन्हें मान रहा हूं, और अगर उसमें पसमांदा जो मुसलमान ओबीसी हैं उनको भी शामिल कर लें, तो ये तकरीबन 50% वोट बैंक है। अगर इसमें से आधा से ज्यादा भी अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता है तो 22 का चुनाव परिणाम बिल्कुल अलग होगा, बशर्ते कि मैं जो संकट कुर्बान अली जी ने कहा उसी में आखिरी बात जोड़ रहा हूं अंजुम जी, कि जो प्रचार तंत्र है, जो उत्तर प्रदेश में दिल्ली में भी प्रचार करवाता है, जो 70 लाख नौकरी देने के वादे पर 4 लाख नौकरी दे करके भी प्रचार कर लेता है, उसने नमक साबुन तेल पर भी अपनी फोटो के प्रचार किए हैं, 500 रुपए कोरोना में घर घर दिए हैं, और अभी श्रम कार्ड करके जो बना है उसमें 1,000 रुपए पर हेड दिया जा रहा है, यानी अब सीधे तौर पर, और ये सारी नीतियां अप्रैल तक चलेंगी, अब सीधे उन वोटर को ग्राउंड पर आरएसएस गोलबंद करने में कोशिश कर रही है। तो जो बाहर दिख रहा है अगर उतने से ही चुनाव परिणाम बदल जाएगा, मैं थोड़ा इससे सहमत नहीं हूं। बूथ लेवल पर जो बदलाव आ रहा है अगर वो काम करता है तो ये जो गोलबंदी हुई है अखिलेश यादव के नेतृत्व में, ये अगर पोलिंग के समय तक अपना काम करती है तो बीजेपी की 2022 में बहुत मुश्किल होने वाली। कुर्बान जी, आपके पास आने से पहले प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, आपने जो सुना प्रोफेसर संजय कुमार को, आप सहमत हैं? आपकी राय, उनकी जो दलील है उस पर जानना चाहूंगा। जी देखिए, संजय जी बहुत वरिष्ठ हैं, हम लोग उनको पढ़ते रहे हैं, अलग अलग धारणाएं हो सकती हैं। मेरा एक सवाल है कि अगर अखिलेश यादव जो दो ढाई महीने पहले ये अपनी एक रथ यात्रा लेकर के निकले, उसके पहले के अखिलेश यादव को अगर खोजें तो आपको लगेगा कि उस समय तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये माहौल था कि बीजेपी एक तरफा तरीके से वो चुनाव जीत रही है, राम मंदिर बन रहा है, और इवन मथुरा काशी बाकी था वहां भी शुरुआत हो गई थी। दूसरी तरफ योगी को लेकर के जो भी अंदर खाने बीजेपी के जितने भी विवाद थे उसको किसी तरह से सुलझाने की कोशिश की गई, और अंत में प्रधानमंत्री का हाथ योगी के कंधे पर जाकर के एक संकेत देता है कि नहीं, हम एक मुश्त ये उत्तर प्रदेश तो जीत लेंगे। और सच बात यह है कि मैं यहां बिल्कुल सहमत हूं, पिछली बार जो बात मैं कह रहा था उसको फिर मैं उस पर जोर दे रहा हूं कि बीजेपी जिसकी राजनीति फिलहाल धर्म की जमीन पर है और सांप्रदायिक नफरत की जमीन पर है, वो अपनी जमीन का सबसे उर्वर खेत अपने हाथ से नहीं जाने देगी, और वो है उत्तर प्रदेश। तो बीजेपी जब बिहार को अपने हाथ से नहीं जाने दी, बंगाल को नहीं जाने दे रही थी, तो उत्तर प्रदेश को तो वो किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। तो अभी तो वो जो है चुनाव के समय क्या होगा, और पंचायत चुनाव में जो हुआ उसका कई गुना ज्यादा होगा विधानसभा के चुनाव में, ये भी हमें याद रखना चाहिए। सबसे ज्यादा सदस्य इनके जीते लेकिन अध्यक्ष बने कौन ये सब लोग जानते हैं। ये डीएम और एसपी क्या भूमिका निभाएंगे ये भी है, और दिलचस्प तो ये है कि कानपुर के एक आईपीएस साहब हैं वो उधर वीआरएस लेकर के बीजेपी ज्वाइन भी कर लेते हैं और पद पर बने रहते हैं, यानी तंत्र कौन है। हाँ, मेरा कहना ये है कि जो बदलाव आया है ये बदलाव जनता के बीच में, जब अखिलेश गए, इवन हम लोग भी वो लोग हैं जो ये कहते रहे कि सत्ता में कैसे रहना है ये बीजेपी से सीखना है, इससे ज्यादा जरूरी ये सीखा जा सकता है कि वो विपक्ष में कैसे रहते थे, वो कई कई सत्र संसद का नहीं चलने देते थे, लेकिन अभी अगर संसद सत्र नहीं चला तो उसको देश विरोधी करार देते हैं, वो लोग तंत्र में और प्रोपोगंडा में माहिर लोग हैं। उसके बावजूद अखिलेश यादव 4.5 साल जमीन पर नहीं उतरे, ये सब के बावजूद जब वो जमीन पर उतरते दिखते हैं तो वो जो जन सैलाब जो दिखता है, मुझे नहीं पता कि, मैं ये भी दावा नहीं कर रहा कि वो सारा वोट में तब्दील होकर के लैंडस्लाइड विक्ट्री ले आएगा, मैं ये भी दावा नहीं कर रहा, लेकिन उसने नरेशन को बदला और उसकी एक बड़ी भूमिका कोरोना और उसके पीछे की पॉलिसीज पर भी असर करती है। तो मैं इसको ये इस रूप में देखता हूं कि
आप ठीक है कह सकते हैं कि पैशन नहीं, जैसे सुझाव के तौर पर यहां मैं संजय जी से सहमत होते हुए एक दो चीजें जोड़ रहा हूं कि आपको सत्ता के खिलाफ जब नरेशन बनाना है तो पॉलिटिकल पार्टी के बतौर आप सारी जातियों को तो जोड़ रहे हैं, वो केवल पिछड़ों को नहीं जोड़ रहे, वो परशुराम के मानने वाले लोगों को भी सम्मान देने की कोशिश कर रहे हैं, वो कटार वटार लेकर के भी एक मैसेज दे रहे हैं कि हम सबका हित करेंगे। दूसरा मेरा कहना यह है कि ज्यादा बेहतर पॉलिटिकल टैक्टिस ये होगी कि अखिलेश यादव को ये और मुखर होकर के कहना चाहिए कि जिस हिंदुत्व के कार्ड के नाते वे जातियां जो वंचित शोषित जमात की हैं वो हिंदू बनी थी, उन्हें अंततः क्या मिला? उन्हें कुछ नहीं मिला, और वो जो नहीं मिला उसके बाद वो वापस आ रहे हैं, तो हम उन्हें जो देंगे उसको ऑब्जेक्टिवली उन्हें सामने रखना चाहिए। वो एम्प्लॉयमेंट का इशू हो सकता है, वो एजुकेशन रिफॉर्म का इशू हो सकता है, तो ज्यादा और पैशनेट ढंग से वोटर को अपनी तरफ मोबिलाइज कर सकते हैं। यहां मैं इसमें ऐड करता हूं।